आपको आम खबर से आगाह करें कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का पूरे मुल्क में सेमिनार बुलाने का ऐलान। सेमिनार बुलाने का मकसद वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बावर कराना होगा। तरक्कियाती मंसूबों में इस्तेमाल होने वाली अशिया की नई कीमतें मुकर्रर की। नई कीमतों से ठेकेदार को तरक्कियाती कामों में मुश्किलात का सामना नहीं होगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का पूरे मुल्क में सेमिनार बुलाने का ऐलान। सेमिनार बुलाने का मकसद वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बावर कराना होगा। तरक्कियाती मंसूबों में इस्तेमाल होने वाली अशिया की नई कीमतें मुकर्रर की। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का पूरे मुल्क में सेमिनार बुलाने का ऐलान। सेमिनार बुलाने का मकसद वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बावर कराना होगा। तरक्कियाती मंसूबों में इस्तेमाल होने वाली अशिया की नई कीमतें मुकर्रर की। इसी हवाले से हमारे साथ मोहम्मद अली अबड़ो मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी मोहम्मद अली अबड़ो, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से मुल्क भर में तरक्याती मंसूबों में इस्तेमाल होने वाले अशिया के रेट बढ़ाने के लिए सेमिनार बुलाने का ऐलान किया गया है। इस मामले पर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने इस्लामाबाद, पेशावर, कराची, लाहौर, कोटा, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद में सेमिनार बुलाएगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जानिब से जारी किए गए फैसले में कहा गया है कि इस्लामाबाद में 9 मई, पेशावर में 16 मई, कराची में 30 मई, लाहौर में 6 जून, कोटा में 6 जून, गिलगित बल्तिस्तान में 11 जून, जुलाई और मुजफ्फराबाद में 25 जुलाई को सेमिनार होंगे। जबकि जारी किए गए मरासले में भी कहा गया है कि इस वक्त तामीराती शोबे में इस्तेमाल होने वाली अच्छा की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। इन कीमतों को मद्देनजर रखते हुए तमाम वफाकी और सूबाई इदारों से दरख्वास्त की जाएगी कि वो ठेकों के लिए रकूमात तामीराती अशिया की कीमतों को मद्देनजर रखते हुए मुकर्रर करें, क्योंकि इस वक्त इमारतों और सड़कों के तामीर के लिए ठेकों में जो रकम रखी जाती है वो महंगाई के पेश नजर नामुनासिब है। इसलिए अब वफाकी और सूबाई इदारे तामीराती शोबे में इस्तेमाल होने वाली रकम में इजाफा करें। उनका मजीद कहना है कि सेमिनार का मकसद यह है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बावर कराया जाएगा ताकि तरक्याती मंसूबों में इस्तेमाल होने वाली अशिया का नया रेट मुकर्रर करवाया जा सके। जी जी शुक्रिया मोहम्मद अली अबड़ो आगाह करने का।